अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी शोबी सईद। अगर आप लोगों ने अभी तक शोबी सईद व्लॉग एंजॉय नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और करें शोबी सईद व्लॉग एंजॉय। आज मेरा कंटेंट कोई और था, मुझे कुछ और अपलोड करना था, बट मौसम इतना औसम हो रहा है। अच्छा, मैंने कहा कि चलो आज व्लॉग ही बना लेता हूँ। वो जो दूसरा कंटेंट है वो कल अपलोड कर दूंगा। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी 3:10 बाकी है और मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा टेरिस में। अभी थोड़े देर पहले ना लाइट सी ड्रिजलिंग हो रही थी, उस टाइम मैंने व्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, तो मैंने कहा चलो व्लॉग वगैरह स्टार्ट करता हूँ, फिर जाता हूँ टेरिस में, मौसम भी इंजॉय करता हूँ। मैं ऊपर टेरिस पर आया तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग जमीन में देख रहे होंगे बूंदे गिरे हुए, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। धूप में बारिश हो रही है। उस तरफ का जो मौसम है ना पूरा ब्राउन हो रहा है। ये देखें आप लोग पूरा मौसम बहुत ही औसम हो रहा है, और धूप में बारिश हो रही है। हैरानगी की बात है भाई, धूप में बारिश हो रही है। मैं अभी तक शॉप नहीं गया, मैंने कहा चलो थोड़ा टेरिस में जाता हूँ, व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, एंजॉय करता हूँ, फिर इसके बाद जाऊँगा सीधा शॉप। मौसम भी अच्छा, बारिश भी लाइट हो रही है, लेकिन गर्मी बहुत है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। बहुत ज़्यादा ही गर्मी में ऊपर आऊँ, मुझे पसीना आ रहा है और मेरा पूरा हेयर वगैरह सब चीज़ ख़राब हो चुका है, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। अभी मैं इधर 5 मिनट रुकूँगा, मुझे लगता है कि अभी तेज़ बारिश नहीं होगी तो मैं इतने गर्मी में नहीं रह सकता। बस 5 मिनट बैठूँगा, फिर उसके बाद सीधा नीचे। बारिश बंद हो चुकी है, अभी सिर्फ जो बादल जो है ना वो गड़ 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 कर रहे हैं, और मुझे गर्मी बहुत तेज़ लग रही है क्योंकि सामने से जो धूप है ना बहुत तेज़ ही आ रहा है। अब मुझे जाना शॉप, लेट हो रहा है, तो जल्दी से जाते हैं नीचे, कॉमिंग वगैरह करते हैं और सीधा शॉप। अभी अभी घर पर आया हूँ, कब से मैं नेट के ही वेट कर रहा हूँ, नेट नहीं आ रहा। मुझे अपना काम करना था, पता नहीं क्या हो गया नेट को। ये राउटर को मैंने फुल प्लास्टिक में रखा है क्योंकि बारिश वगैरह होता है ना, फिर राउटर में रखता ख़राब हो जाता है। इससे पहले मेरा 2 राउटर ख़राब हो चुका है, इस वजह से मैंने इसको बड़े सेफ तरीके से रखा हुआ है। अभी मैंने कॉल किया, तभी मैं यहाँ से सारी चीज़ें चेक वगैरह कर चुका हूँ, तब भी नेट नहीं चल रहा है। अभी मैंने नेट वाले को कॉल किया, मैं तो उसको दिन से कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मुझे घर से कॉल आ गई थी नेट नहीं चल रहा, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। उसने मुझे कहा है कि 10 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ तो सेट करता हूँ। मैं अभी वेट कर रहा हूँ, जल्दी से आएंगे सेट करेंगे तो फिर मैं अपना काम लेकर बैठूँगा। फाइनली इतना वेट करने के बाद नेट वाले आ चुके हैं, वो सामने पोल पे खड़े। मुझे कहा कि छत पे रहो, मुझे बताना कि नेट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो वो अभी पोल पर सेट कर रहे हैं। वहाँ से तो इन्होंने सेट कर दिया, मुझे नीचे बुला रहे, बोले नीचे आके चेक करो कि आ रहे या नहीं आ रहे। फाइनली नेट सही हो गया, नेट 12 बजे से बंद था और अभी ऑन हुआ है। अच्छा हुआ मैं वीडियो 11 बजे अपलोड कर दिया था आज यूट्यूब में, मुझे पता नहीं क्या लगा, मैंने कहा यार चलो बैठता हूँ वीडियो वगैरह अपलोड करके जान छुटा दो, फिर मुझे कुछ और काम था। तो मैं जैसे ही वीडियो अपलोड किया उठाऊँ, आधे घंटे बाद नेट चले गया। अच्छा हुआ था वीडियो अपलोड हो गया था। अभी नेट वगैरह सब चीज़ सही हो चुका है, अभी मैं अपना लैपटॉप निकालूंगा, मुझे कुछ काम है तो अपना जल्दी से काम फारिग करूँगा। आज मैं अपना काम लेकर नहीं बैठा, मैंने कहा आज आराम कर लेता हूँ। अभी मैं सोफे पे लेटा हुआ हूँ और खाने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चार्जर लगाया हुआ था ना, मैच देख रहा था अपने मोबाइल में, तो मैंने कहा चलो अभी खाना वगैरह लगेगा तो खाना खा लूँगा। आज मैंने कहा कि आज थोड़ा अपने आप को रेस्ट देता हूँ, व्लॉग एडिट करना है वो रात में बैठूँगा तो अपना व्लॉग वगैरह एडिट कर लूँगा। अभी आ रहा है खाना तो जल्दी से जाते हैं खाना खाने। खाना आ चुका है और खाने में आज मामा ने बनाया है पूड़ी और चने दाल गोश्त, तो इसको हम लोग टेस्ट करते हैं कि कैसा बना है। बहुत ज़्यादा ही गर्म हो रही है पूड़ी। ओहो जल्दी से खा लूँ। मैं खाना खा रहा था और बीच में ही लाइट चली गई, आज पता नहीं लाइट जल्दी क्यों गई है। तो अब तो मुझे कुछ काम नहीं, मैंने कहा व्लॉग को एंड कर देता हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।